chào mọi người đã đến với T2. Đến với T2 chúng tôi sẽ giúp các bạn thoải mái và giải tỏa được những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nào giờ thì chúng ta cùng xem video nhé. Và các bạn Chị tiếp hơn, ghép vào cắt được. Giờ thì chúng ta cùng xem video nhé. Và các bạn đừng quên nhớ like, share và subscribe cho T2 nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Simple, जब आपने face को wash कर लिया, उसके बाद आप scrub करोगे. स्क्रब के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक बाउल में थोड़ा सा चावल का आटा ले, घर का पिसा हुआ होगा तो ज्यादा बेहतर है. उसमें थोड़ा सा कॉफी पाउडर ऐड करें, थोड़ी सी हनी ऐड करें, उसको अच्छे से मिक्स करें. इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्क्रब की तरह होनी चाहिए. अब अपने फेस को वॉश करने के बाद इसे अपने फेस पे स्क्रब करें. आप कोई भी स्क्रब यूज कर सकते हो. अभी तक मैंने आपको जितने भी स्क्रब दिखाए उसमें से कोई भी स्क्रब यूज करो, क्योंकि हर एक स्क्रब में हम एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट जरूर ऐड करते हैं, चाहे वो ऑयल हो, हनी हो, कोई मॉइस्चराइजिंग फ्रूट हो, कुछ भी हो. तो इसमें विंटर समर जैसा कुछ नहीं होता. आपको जो स्क्रब यूज करना है वो कर सकते हो. चॉकलेट शुगर स्क्रब मैंने शेयर किया था, वो यूज करोगे तो और भी ज्यादा बेहतर है. ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे डेड सेल्स निकल जाए, हमारी डल स्किन ब्राइट हो जाए. अगर आप स्क्रब यूज कर रहे हो तो फेस वॉश करने के बाद 5 से 8 मिनट के लिए अपने फेस पे स्क्रब करें. अगर आप ब्रश यूज कर रहे हो तो फेस वॉश करते वक्त 15 से 20 सेकेंड्स के लिए अपने फेस पे इसको यूज करें, और उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लें. चाहे आप कुछ भी यूज करो, स्क्रब यूज करो या ब्रश यूज करो, हफ्ते में या वीक में सिर्फ आपको इसको 2 ही बार यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं. तो फटाफट से डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट होता है, दैट इज एक्सफोलिएशन. अब हमारा थर्ड स्टेप आता है, दैट इज टोनिंग. टोनिंग एक ऐसा स्टेप है जो मैक्सिमम लोग स्किप करते हैं, लेकिन जितना क्लिंजिंग क्रीम वगैरह इंपॉर्टेंट है उतना टोनिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी स्किन को सूथ करता है, नरिश करता है, हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, हमारी स्किन में कसाव लाता है, ओपन पोर्स को भी रिड्यूस करता है. और आप फेस वॉश क्रीम कुछ भी बाहर से खरीद लो, टोनर कभी बाहर से नहीं खरीदना. होममेड टोनर्स आर दी बेस्ट, क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करते, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और बहुत ही सस्ते में बन जाते हैं. मैं मेरी स्किन केयर में जो यूज करती हूँ, इससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगी. ये 100% प्योर रोज वाटर और ग्रीन टी का टोनर. और अगेन, इसको एक्चुअली मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ कभी शेयर नहीं की, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. कुछ नहीं करना है इसको बनाने के लिए. आप एक पैन में 2 ग्लास पानी डालें, और जब ये बॉईल होने को आए तब एक बाउल पानी को आप सेपरेट कर लें, उसमें 2 ग्रीन टी के बैग्स डालें और उसको 10 मिनट के लिए साइड में रखें, और बाकी के बचे हुए पानी में 5 से 6 गुलाब के फ्रेश गुलाब के पेटल्स